गाय दो पर कर ली है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता सब दोस्त ठीक होंगे। आप इंडक्स पकड़ के गाइस दूसरे वे ले जाना। आपको मैंने बताया था कि हमने इनके लिए बड़ा तालाब बनाना, तो आज हमने सोचा इनके लिए बड़ा तालाब बनाए। गाइस सब डक्स को हम उधर लेके जाएंगे, काफी ज्यादा ये खेलेंगी, काफी ज्यादा खुश हो जाएंगी, क्योंकि जिस दिन कहेंगे ये किनारी के अंदर ही खेलती है। गाय दाद आगे छत पे कबूतर खोलने लगा। आज सारे कबूतर बाहर निकालेगा, चूजे खोल लेते हैं सारे छत पे। गाइस मैं चूजे खोलता हूँ और अपनी डक्स भी खोल देते हैं। एक दो चक्कर इनको लगवा देते हैं छत पे, सारे डक्स पकड़ के दूसरे वेली लेके जाते हैं। गाइस आज मौसम बहुत प्यारा है। ये देखे गाइस कबूतर वगैरह बाहर आ गए हैं। डक्स देखे गाइस कितनी प्यारी लग रही है। ये देखे गाइस कबूतर सारे बाहर आ गए हैं और चूजे वगैरह भी सारे बाहर हैं। डक्स भी हमारी बाहर हैं, ये मुर्गा भी हमारा बाहर है, उसके साथ हमारे डैबिट भी सारे बाहर हैं। गाइस एक और गुड न्यूज है, गुड न्यूज ये है कि हमारी एक और कबूतरी ने देखे अंडा दे दिया। गाइस वो देखे अभी भी खुमड़ी अंडों के ऊपर बैठी हुई है, बाकी तीन ये बैठे हुए हैं लाइन के ऊपर। गाइस मुझे उम्मीद है कि ये भी बहुत जल्द अंडे दे देंगे। अभी इनके पर काटे हुए हैं उन्होंने जिनसे मैं लेके आया था। गाइस ये तीन पास आपको नजर आ रही है, पीछे चार से हमारे पास एक मेरी सूरज है, मुझे पता नहीं चला कब बुढ़ी है। वो स्टेज में आ गई हुई थी उधर से, वो देखे हुए आपको नजर आ रही होगी। वो मैंने सब पैसे वगैरह मैंने खोले हुए, जल्दी से हवेली चलते हैं। हवेली अपना जायजा लगाएगा इसके अंदर, अपने इनके लिए पानी वगैरह का इंतजाम बनाना है। गाइस हवेली जाने से पहले हम अपनी मुर्गी खोलते हैं, मुर्गे के केज आ गए हैं, ये सब मुर्गी मैं खोल लेता हूँ। चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो 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 तक गए दूसरे हवेली के अंदर आ गए मैं। तो ये देखे हमने ये बनाया, पहले हमने छप डाला, छप डाल के फिर हमने इसके अंदर पानी डाला। ये देखे भी सारा पानी है, अभी और पानी डालना हमने इसके अंदर। तो फिर अपनी डक्स ला के इधर छोड़ेंगे, उससे पहले हम अपनी सारी डक्स इधर छोड़ेंगे। जैसे घास वगैरह लगा हुआ है, मट्टी है, जब हम इसके अंदर छोड़ेंगे कितना ज़्यादा खेलेंगी और कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी सारी डक्स। सारा पानी हमने इसके अंदर डाल दिया, ये देखे आप फुल हो गया ये। तो अब जल्दी से अपनी डक्स पकड़ते हैं, डक्स पकड़ के ला के इसके अंदर छोड़ते हैं। बाकी देखे गाइस सब मुर्गी इधर घूम रही हैं, गाइस सारी डक्स वगैरह अभी बाहर ही घूम रही हैं। ये देखें इन सब डक्स को अंदर भेजते हैं केज के अंदर। गाइस सारी डक्स वगैरह मैंने अंदर भेज दिया, अब हमारे पास कोई केज नहीं है जिसके अंदर डाल के हमने डक्स उधर लेके जानी है। इस बाल्टी के अंदर सारी डक्स डालते हैं और दूसरे वाले लेके जाते हैं। ये देखिए एक ये ब्लैक, ये देखें छः की छः डक्स मैंने इस बाली के अंदर डाल ली है। तो इस बाली को पकड़ते हैं, आप दूसरे वेली लेके जाते हैं। गाय इस तरह करते हैं, हम ये मुर्गा भी उधर ले जाते हैं। गाय अंदर आ गए मैं डक्स लेके। गाय अभी हवेली के अंदर हूँ मैं, मुर्गे वगैरह आपके पीछे ही है। तो हम अपनी डक्स भी पहले इधर खोलते हैं, फिर बाद में डक्स को पकड़ के उस पानी के अंदर गाइस भी छोड़ेंगे सारी डक्स को पकड़ के। ये आ गई, ये देखे गाइस सारी डक्स मैंने इधर खोल लिया। डक्स बहुत ज़्यादा डाड़ी है मुर्गियों से और मुर्गियाँ भी बहुत ज़्यादा डाड़ी हैं डक्स से। मुर्गी हमारी उस साइड पे हैं और दूसरी डक्स हमारी सारी साइड पे हैं। अभी इधर थोड़ी देर घूमती हैं, फिर बाद में इनको पकड़ के उस वाले पानी के अंदर हम छोड़ेंगे। गाइस देखे हरियाली के अंदर डक्स घूम रही है, कितनी प्यारी लग रही है। ये देखे गाइस अब सारी डक्स को पकड़ते हैं, अब इनकी बाड़ी आ गई, इनको इनके तालाब के अंदर हम छोड़ें। गाइस दो पर कर ली हैं, दो पहले छोड़ते हैं अंदर, तेरा तेरे का मुंह पर सीने छोड़ते हैं, देखते हैं क्या करती है ये। ये देखिए गाइस गाइस दो डक्स मैंने छोड़ी है अभी, बाकी चार पकड़ दे। गाइस देखिए कितनी प्यारी लग रही है, खेलने लग पड़ी है ये। दोनों को भी पकड़ते हैं और अंदर छोड़ते हैं। ओए 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 गाइस अभी मैंने फाइनली डक्स पानी के अंदर छोड़ दिए हैं। ये देखिए गाइस कितनी प्यारी लग रही है पानी के अंदर। ये देखिए इनके ऊपर थोड़ा सा पानी फेंकते हैं। ये देखिए गाइस काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है और काफ़ी ज़्यादा खुश है इधर आ गई। ये देखे गई, ये देखे किस तरह खेल रही है। ये देखे हर देखे माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है दोस्तों। ये वाइट वाइट डक देखे कितनी प्यारी लग रही है खेलते हुए। कहीं पहले ये बाहर आ गए थे, अब इनका बाहर आने का भी नहीं दिल कर रहा। ये देखे पानी के अंदर ही खेल रही है। कहीं ऊपर से देखे धूप देखे कितनी है, उन्हें जो देखे पानी के अंदर हमने नहीं छोड़ा हुआ। ये देखे कैसे पानी के अंदर अपना मुँह लेके जा रही है। देखे कहीं इनके पाँव देखें आप, पाँव देखे पानी के अंदर कैसे खेलते हैं।
थारी डक्स बहुत ही ज्यादा खुश है और इन्हें देख के मैं भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूँ। इनके ऊपर थोड़ा सा पानी फेंकते हैं, ये देखें, इनको थोड़ा सा गीला करते हैं खुद ही। ये देखें गाइस, ये देखें कितना गाइस इन्हें मजा आ रहा है पानी के अंदर। ये देखें माशाल्लाह गाइस। तो मुर्गी साड़ी उधर है, वो घास वगैरह खाती रहती है उस साइड पे। और डक्स अपनी जो इनका काम है पानी के अंदर, आज तो हमने इनको बड़ा तिलाव बना दिया। तो पहले तो ये आपको पता है कि नाली के अंदर काफ़ी ज़्यादा खेलती थी, तो मैंने सोचा ये नाली के अंदर खेलते हैं, इन्हें बड़ा तिलाव बना के देते हैं, देखते हैं ये क्या करती है। और ये बहुत ही ज़्यादा खुश है गाइस। अब हम हफ्ते में एक दफ़ा इन्हें इधर ले गए करेंगे, इधर ला के थोड़े करेंगे इन्हें। देखिए गाइस ब्लैक डक, देखिए गाइस कैसे खेल रही है ब्लैक डक। उधर भी जाकर बहुत ज़्यादा खेलती है गाइस। जब ये पाँव हिलाना छोड़ देना, फिर एक जगह रहती है, जब पाँव हिलाती हैं फिर आगे चली जाती हैं। वो देखें गाइस माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। चलो आप भी उधर चलो, चलो गाइस चले नहीं इधर भेजते हैं, फिर उधर भेजेंगे नहीं। चले गाइस इन्हें उधर भेजते आप, चलो उधर चलो। गाइस काफ़ी देर की डक्स खुली हुई हैं, अब इनको सर्दी लग रही है पानी के अंदर क्योंकि हवा बहुत ठंडी चल रही है। वो देखें गाइस बाहर निकलने की गाड़ी है, तो अब इन सबको बाहर निकालते हैं ताकि दे थोड़ी देर घूम ले इधर। गाइस इन्हें बाहर निकालें, एक बार इनको पानी के अंदर लेके जाएं फिर बाहर निकालें। ये देखिए गाइस दो मैंने निकाल दी, रुको रुको मैं उधर निकाल दूँ, तीन निकाल दी और ये आ गई चौथी। देखें वैसे कितनी प्यारी लगती है पानी के अंदर जब खेलती है। ये निकाल दिया गाइस, ये देखें गाइस इस टाइम छः की छः डक्स मैंने बाहर खोल दी। अभी ये धूप के अंदर खड़ी रहेंगी काफ़ी देर, अभी ये फ्रेश होकर बाहर निकली हैं, तो अभी ये धूप में खेलेंगी थोड़ी देर, तो फिर इनको फिर अपनी बाल्टी में डालेंगे और अपने जू में ले जाएंगे। गाइस इन सबको अब छाँव में भेजते हैं क्योंकि धूप में खड़ी रहेंगी ना, अभी बीमार ना हो जाए, अभी नहा के बाहर निकली हैं ये। चलो छाँव में चलो 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 चलो। गाइस जी मैंने छोड़ दिया, देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है इधर। गाइस ये देखिए अब सारी डक्स अपना फूचे का रही हैं। गाइस जब सारी डक्स को पकड़ते हैं वो अपने जू में लेके जाते हैं। ये सब डक्स हैं छः के छः, अब इन डक्स को पकड़ के हमने इस बाल्टी में डाल के वो वापस जू में लेके जाना है। गाइस जब ये फुल हुशक भी हो गई है, ये देखिए इनके बाल फुल हुशक हो गए हैं। गाइस बाल्टी के अंदर डाल लिए और फिर वापस लेके जाते हैं मुर्गा उस साइड पर, मुर्गा भी पकड़ते हैं और ये अपने जू में लेके जाते हैं वापस। एक हफ्ते बाद फिर उधर लेके जाएंगे, जाके तालाब के अंदर छोड़ेंगे ताकि जितनी इनकी महल वगैरह खड़ी खत्म हो जाए। चूजे देखे बाहर आने की घर है, इन सब चूजों को बाहर निकाल दें। जब तंदूर खत्म करते हैं गाइस वो मट्टी फेंक देते हैं, वो मट्टी ला के ना डालें और इनकी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। तो गाइस अब सबको दाना डालते हैं, सब पैर वगैरह देखे भूखे हैं। गाइस देखे दाना मैंने डाल दिया, अब गाइस सब पैर वगैरह यही दाना खाएंगे, जो साइड पर कबूतर गए हैं वो भी आ जाएंगे, वो बाकी सारे इधर ही दाना खा रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह गाइस कितने कितने ज़्यादा बड़े बच्चे हो गए हैं, अब देखें इनकी आँखें भी खुल गई हैं। ये देखें सब पैर वगैरह दाना खा रहे हैं गाइस। आज तो डक्स हमारी बहुत ही ज़्यादा खुश है ना, और डक्स के साथ मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज हमने डक्स खोली हुई थी उधर पानी के अंदर छोड़ी हुई थी। वो देखे गाइस ये देखे फिर पानी के अंदर जा रही हैं गाइस, इन्हें पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा पानी पसंद है, लेकिन कोई नहीं गाइस देखे माशाल्लाह सब खा रहे हैं। रैबिट हमारे बाहर आ गया, एक रैबिट आया बाहर, चलो आज बाहर तुम भी। और देखे दोनों कबूतर ऊपर जाके बैठ गए, मैं ये नीचे नहीं आ रही। देखे गाइस एक कबूतर आ गया और एक कबूतर भी ऊपर है, देखे माशाल्लाह बाकी सब पैर वगैरह दाना खा रहे हैं गाइस, कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। देखे ये भी आ गया, ये गाइस सबसे प्यारा मुझे ये वाला कबूतर लगता है क्योंकि ये देखे ज़्यादा ब्लैक है। सब कबूतर वगैरह मुर्गे खरगोश वगैरह चूजे वगैरह सारे दाना खा रहे होते हैं, डक्स हमारी अकेली एक साइड पे जाके देखे बैठ जाती है, और जब ये सारे दाना खा के चले जाते हैं वो फिर आगे आराम से दाना खाती रहती है। ये देखे जब सब पैट्स वगैरह दाना खा लिया, ये देख सकते हैं आप, सब पैट्स को बंद करते हैं, सबसे पहले कबूतर बंद करते हैं गाइस। देखे कबूतर मैंने सारे बंद कर दिए हैं, जिन जिनके अंडे हैं बच्चे हैं वो देखे, उस जोड़े के बच्चे हैं वो जाग बच्चों पर बैठ गए, इस जोड़े के अंडे हैं वो उन पर बैठ गए, इसके भी अंडे हैं उसके भी अंडे हैं, तो इनका केजा बंद करते हैं। चलो जी गाइस ये कबूतर के जोड़े को भी मैंने बंद कर दिया, देखे सारे डक्स बंद करते हैं, इसके साथ अपने चूजे बंद करते हैं। चलो जी गाइस देखे कैसे बाकी अपने केज के अंदर जा रहे हैं। गाइस अब सारी डक्स बंद करते हैं, ये डक्स सारी अंदर चले गई हैं गाइस, ये देखें
सारी चीजें भी मैंने बंद कर दी, डक्स भी बंद कर दिए। तो आज मुझे बहुत ही ज्यादा रोजा लग रहा क्योंकि जिधर हम अपने डक्स ले गए थे पानी के अंदर छोड़ दिए, पानी लेके जा रहे थे बाल्टी में डाल के, और बहुत ही ज्यादा थक गए इस टाइम, और आंखें मेरी बहुत ही ज्यादा दर्द कर रही है जी, क्योंकि आज मुझे जुकाम भी इतना ज्यादा है, बुखार भी मुझे चढ़ा हुआ है। तो वीडियो के एंड करते हैं, मुर्गी वगैरह मैंने अपनी सारी बंद कर दी है, ये वाली मुर्गी भी मैंने बंद कर दी है। वीडियो के एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आने वाली आप तक जरूर पहुंचे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।